अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9, समस्या अने समस्यानु निराकरण, यानी कि प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो उसका पार्ट वन हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अब जो है हमारा कंसेप्ट पूरा चेंज होगा। जैसा कि स्टार्ट किया हमने HTML से, ओके, HTML में 1 to 4 चैप्टर हमने देखे थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 हमने ओपन ऑफिस कैलसी के ऊपर था, ओके। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 9 जो आपका थियोरिकल है, बट इसके बेस के ऊपर हम चैप्टर नंबर 10 से हमारा सी लैंग्वेज का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट जो है वो टोटली चेंज होने वाला है। तो नया जो कंसेप्ट है हमारा, वो है सी लैंग्वेज के ऊपर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके ऊपर हमारा जो नया कंसेप्ट है वो स्टार्ट होगा। तो पहला चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है हमारा। तो प्रैक्टिकली क्या है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पहले के प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो सामान्य एटले कि दरेक मनुष्य पोतानी रोजिंदी जिंदगी में अनेक समस्यानु निराकरण एटले कि सॉल्यूशन लावे छे। क्या लिखा है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और तो प्रॉब्लम्स के क्या करते हैं वो सॉल्यूशंस निकालते हैं। समस्यानु निराकरण एटले कि सॉल्यूशन मानसिक शक्तियों द्वारा अथवा तो यंत्रोना कार्यो एटले कि कोई पद्धतिसरना कार्यो द्वारा वपराशकर्ता ने तेनु इच्छित परिणाम मेळववा तरफ लई जाय छे। क्या लिखा है, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या तो हम अपने कुछ नए आइडिया से सोचते हैं जिससे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, या तो वो कोई मशीन के ऊपर वो टास्क करवा के हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ओके। तो केटलीक समस्याओं, मतलब कुछ समस्या ऐसी है जैसा कि केटलीक समस्याओं परिणाम की आगाही चौक्स रीते करी शकाय छे, ज्यारे केटलीक समस्याओं चौक्स परिणाम की आगाही करवी घणी मुश्किल छे। क्या लिखा है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसका हम अभी से सोच के चल सकते हैं कि ये चीज आगे होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं पहले से। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको हम पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ओके। तो मतलब क्या लिखा है कि परिणामनी आगाही करवी घनी मुश्किल है। अब इसके हिसाब से क्या किया है, प्रॉब्लम जो है समस्या उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आ रीते समस्या 2 प्रकार में वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1, सारी रीते व्याख्यायित करेली समस्याओं, और नंबर 2, स्पष्ट रूपरेखा वगरनी समस्याओं। यानी कि जो पहला 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 जो है सारी रीते व्याख्यायित करेली समस्या, उसका मतलब क्या है कि जिसको हम सही से आइडेंटिफाई किया है, व्याख्यायित किया है वो प्रॉब्लम, और एक क्या है जिसमें कुछ सही से हमने आइडेंटिफाई किया नहीं, जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब कंप्यूटर की बात करें हम लोग, तो कंप्यूटर ना संदर्भ में बात करिए तो कंप्यूटर फक्त स्पष्ट रूपरेखा धरावती समस्याओं उकेल लावे छे। क्या लिखा है, कंप्यूटर उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाएगा जिसको वो समझ में आए, वो जो चीज जो प्रॉब्लम उसको समझ में आएगी, ओके। जिसका प्रैक्टिकली जो है रिजल्ट हम आइडेंटिफाई मतलब एज्यूम नहीं कर सकते, वो चीज वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाली। कंप्यूटर को हम पूरी तरह से प्रॉब्लम हमारी बताएंगे तो उसके हिसाब से वो सोल्यूशन वहां पे निकल सकता है। कंप्यूटर ने आपेली तर्कबद्ध सूचनाओं ना समूह ने प्रोग्राम कहे थे। क्या लिखा है, IMP क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए, कि कंप्यूटर ने आपेली तर्कबद्ध सूचनाओं ना समूह, यानी कि कुछ इंट्रोडक्शन कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं कंप्यूटर को, और उसका जो एक पूरा ग्रुप बना है, पूरा समूह बना है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोग्राम। आ प्रोग्राम की मदद वडे कंप्यूटर केटलाक कार्यो सिद्ध करे छे अथवा तो समस्या नो उकेल लावे छे। क्या लिखा है, जैसा कि हम कैलकुलेट करते हैं कि 2 + 5, ओके, तो 2 + 5 उसका आंसर बनेगा 7। तो वो 7 लाने के लिए कुछ क्या किया, एक प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया, जो टाइप किया गया है, उसका काम क्या है कि जो 2 नंबर्स दिए गए 2 और 5, उन दोनों को क्या करना है, उसका एडिशन करना है, दोनों को प्लस करना है, ओके। तो वो क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका काम फिक्स है कि इसको यही काम करना है। तो उससे क्या हुआ, उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि जो 2 नंबर दिए गए उन दोनों का टोटल जो होगा प्लस करने के बाद वह आंसर उसको दिखाना है। આ કાર્ય કોમ્પ્યુટર જાતે પોતે જાતે નથી કરી શકતું, કોમ્પ્યુટર દ્વારા સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવવા માટે ખાસ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવો પડે છે। ક્યાં લખ્યા, જૈસે કે હમને 2 + 5 કરવાયા, અગર 2 નંબર કા હમને એડિશન કરવાયા તો વો ઓટોમેટિક નહીં હુઆ, ઉસકે લિયે ક્યા કે એક પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કિયા ગયા, ટાઇપ કિયા ગયા। આ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરતી વેળાએ નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે। ક્યાં લખ્યા, અબ યે ચીઝ હમકો ધ્યાન દેની અગર હમ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરેંગે કોઈ તો। નંબર 1, સમસ્યાની વ્યાખ્યા બાંધો। સબસે પહેલે હમકો ક્યા કરના, જો પ્રોબ્લમ છે હમારી કે 2 નંબર કો પ્લસ કરવાના હે તો ઉસકો હમકો ક્યા કરના પડેગા, સબસે પહેલે વો હમકો આઈડેન્ટિફાઈ કરની પડેગી કે હમારી પ્રોબ્લમ જો હે વો યે હે। અબ સમસ્યા આપકે સામને આ ગઈ, ઉસકે બાદ ક્યા કરના હે કે સમસ્યાના ઉકેલ માટે ડેટા ઇનપુટ અને અપેક્ષિત આઉટપુટ નક્કી કરો। ક્યા લખ્યા હે, અબ આપને એક પ્રોબ્લમ ઢૂંઢી કે હમકો 2 નંબર કા પ્લસ કરવાના હે, અબ વો 2 નંબર જો પ્લસ હોંગે
तो सबसे पहले वो दो नंबर यूजर्स हमको लेने पड़ेंगे, मतलब इनपुट लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट वहां पे शो करवाना पड़ेगा। ओके, तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों चीजें ध्यान देनी है। अपेक्षित आउटपुट एटले कि इच्छित आउटपुट मेळववा माटे आवश्यक परिबळो विचारो। उकेल माटेना માર્ગમાં આવતી સમસ્યાઓ કે રૂકાવટોનો વિચાર કરો। કુછ પ્રોબ્લેમ્સ જો આવેગી વો પહેલે સે ઉસકો ધ્યાનમાં દેના હૈ કે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે વિવિધ વિકલ્પોની વિચારણા કરો। ક્યાં લિખા હૈ અબ પ્રોબ્લેમ જો હૈ તો ઉસકા સોલ્યુશન એક તરહ સે નહીં, ઉસમે મલ્ટીપલ ટાઈમ્સ મલ્ટીપલ સોલ્યુશન એક પ્રોબ્લેમ કે હો સકતે હૈ। અબ મલ્ટીપલ સોલ્યુશન હમકો મિલે હૈ તો ઉસકે હિસાબ સે હમકો ક્યા કરના, જો બેસ્ટ સોલ્યુશન હૈ હમારા तो चैप्टर टॉपिक नंबर 6 में यही है कि विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प पसंद करो, सबसे आसान जो विकल्प है वो हमको चूज करना है। नंबर 7 परिणाम की गणतरी करो और जो रिजल्ट हमको मिला है अपेक्षित परिणाम मिलू छे कि नहीं तेनी चौकसाई, तो क्या लिखा है उसको हमको चेक करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर जणावेल मुद्दाओं अभ्यास करवाथी तमने ख्याल आवशे कि आपनी समस्या माटे तबक्कावार लखवामां आवतो उकेल ए प्रोग्राम छे। क्या लिखा है समस्या का जो सोल्यूशन है वो क्या है, एक प्रोग्राम। ओके, अब प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करने के लिए हमको कुछ पहले उसकी थियोरिकली हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन है। कोई पण समस्या नु निराकरण नीचे जणावेल 3 ग्रीप थी मेळवी शकाय छे। क्या लिखा है हमको पहले क्या करेगा, रफली हमको एक तरफ पेपर के ऊपर हमको प्रोग्राम हमारा डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम कंप्यूटर में टाइप करेंगे। तो पेपर पर डिजाइन करने के लिए हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन है। यहाँ पे नंबर 1 पे सुडो कोड एटले के अनुकरण करेलो कोड, नंबर 2 पे फ्लो चार्ट क्रमदश रेखा चित्र, और नंबर 3 पे है एल्गोरिदम कलन विधि। ओके, ये तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग। ओके, तो आज की वीडियो में क्या देखा है हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से कि समस्या जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है हमको। प्रॉब्लम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, सारी रीते व्याख्यात करेली समस्याओं और स्पष्ट रूपरेखा वगैरह समस्याओं। उसके बाद एक IMP क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए, प्रोग्राम की डेफिनेशन ये कंप्यूटर में आपली तर्कबद्ध सूचनाओं समूह ने प्रोग्राम कहे छे। ओके, और प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें कौन सी चीजें हमको ध्यान देनी, टोटल 8 पॉइंट है उसके अंदर। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, समस्या की व्याख्या बाननी है, उसके बाद इनपुट आउटपुट हमको क्या करना है डिसाइड करना है, उसके बाद परिबड़ उसके विचारने हैं कौन से हम उस पर परफॉर्म करने वाले ऑपरेशन। ओके, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हमको आएगी उसका सोल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे हमको, तो मल्टीपल ऑप्शंस में से हमको जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमको चूज करना है। उसके बाद जो परिणाम का जो रिजल्ट होगा वो शो होगा, वो रिजल्ट जो शो हुआ है उसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। और जो मेन 3 टॉपिक है हमारे सुडो कोड फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, इससे पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी। और जो PDF फाइल्स आपको दी गई है उसकी थियोरी आपको बुक में लिख लेनी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।